ले लिया मामा जलाने का नहीं बोले थे ना, जला दीजिए छिड़को में लगा, जला दीजिए कोई बात नहीं, जला दीजिए हम जला देते। अरे हट गया, हट गया, हाथ हट गया, तू अक्ल ना लगा तो खाली ताकत लगा तो। चलो भाई छोरी 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 उधर प्लेट में दीपक, दीपक दीपक ये क्या चीज, ए दीपक ये जाओ बस सब पूरा हो जाएगा, ससुराल ससुराल स्टार मेकर लेजेंड राजकुमार अर्पण, वाओ बेटा वाओ बेटा फेस तो दिखाओ थोड़ा बेटा, तो नहीं आओ आराम से जो बोएगा वही पाएगा माहौल, एकदम टाइम पे है बेटा। बच्चे खिलाओ बच्चे, इसके मोबाइल पे मेरा फोटो है, अब फोटो में लिया है तुझे, अरे लिया 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 वो वाला भी टेस्ट करा। हाय 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 भैया हेलो, ओए फोटो है ले लिया मैंने, बार बार फोटो के लिए जाऊंगा, ले लिया मामा। तीनों केक लाजवाब है, मजा आ गया। कादल इधर, कादल इधर, सामने सामने कादल, लुक यार लुक, चिंटू चिंटू इधर देख, कहां भूलो हम लोग दूसरों के भैया, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा 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 भी सही है। थैंक यू थैंक यू, हो गया भैया। हाँ अरे मिनट एक मिनट फेस इधर, हमारे बीच में प्रदीप जी रहे हो। मिंटू हमार मुहा रंग के हो यार, अभी बात हो गई। अरे कब आए सर, अरे मैं बहुत पहले आपकी बात कर चलो आज खाने में केक से हैप्पी बर्थडे चिंटू, थैंक यू सो मच सर, तो गलत बात है, ये तो है भाई, ये तो भैया गलत बात है, ये तो भैया भैया चुम्मन से गुरु जी हम भेज दें,
ये हमारे पटियाला। हेलो दोस्तों, हैप्पी बर्थडे जिंटू भाई। कुछ वीडियो बनाने में लगे हुए अभी भी खा रहे हो आप? एक मिनट रुक जाओ, जानू तुम्हारे घर आज पर तो रामू अरे अब तो बबलू की टीम आ गई। क्या बात, बबलू की टीम है ये। तुम तो दबा के तुम क्या मारो। अरे 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 पीछे बाबा पीछे 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 बबलू आगे बबलू आ गया बबलू। हेलो देव पांडे जी, ए भाई थोड़ा थोड़ा केक खिलाओ यार। केक खिलाई जल्दी से, सांस फूल गई मेरी। देव जी केक खिलाइए। लगाओ नहीं क्या हो गया? नहीं लगा, बड़ा लगाना अभी साथ किया है ना, फोटो हो जाने के बाद लगा। थैंक यू। केक से पेट भर जाएगा लगता है सर। खाइए ना। ए वाह दीपक, दीपक भाई होता है वो मेरे लिए होता है नई फिल्म, नया स्क्रिप्ट, नया कैरेक्टर, वो मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मेरे हिसाब से, मैं हमेशा से प्रयास करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा में कुछ नया, कुछ बढ़िया चीज़ें हैं जो अश्लीलता से पूरी तरह मुक्त हो, परिवार को मद्देनजर रखते हुए समाज में एक क्या नई बातें हम समाज को दे रहे हैं, क्या अच्छी बातें हम समाज को दे रहे हैं, या हमारे फिल्म से लोगों पर क्या असर होगा, लोगों पर क्या पॉजिटिव असर होगा जिससे लोग उससे सीखेंगे, उससे कुछ सीख लेंगे। तो ऐसे कई सारी दिमाग में बातें चल रही होती हैं और जब हम किसी भी सिनेमा का निर्माण करते हैं तो यही सोच लेकर हम उस सिनेमा की शुरुआत करते हैं, और जब वो सिनेमा, जब वो चुनौती जिसको हम पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो आनंद आता है वो कमाल का होता है, और उससे भी बड़ा आनंद और उससे भी बड़ा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हमारे दर्शक, जब मेरे लोग जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे दिल से प्यार करते हैं, जब वो लोग उसे देखते हैं और मेरे काम को सराहते हैं, खूब अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं मेरे कैरेक्टर को या मेरे परफॉर्मेंस को, तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड भी वही है और मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती पर विजय भी वही है। युवाओं को मैं क्या कहूँ यार, कि मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हम सभी देश के भविष्य हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे आने वाले देश के जो सुनहरा जो भविष्य है, क्योंकि
हम ही रचेंगे आगे के भविष्य को, हमसे ही आगे का भारत, हमसे ही आगे का हिंदुस्तान जागरूक होगा, जगमग होगा। तो आप सबको बस यही बताना चाहूँगा जो मैं खुद सोचता हूँ कि हम जो कुछ जो भटके हुए युवा हैं, मैं उन लोगों को बात बोलना चाहूँगा कि भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको संयम रख के आप सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जो सबसे बड़ा जो देखने में मिलता है युवाओं में जो नशा के साथ साथ जो सुसाइड जो अटैम्प्ट करते हैं लोग, या किसी भी परिस्थिति में जो आप लोग ये कदम उठाते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ये कदम उठाने में जितनी हिम्मत और जितना साहस जुटाते हैं, उसका अगर 10% भी अगर आप उस समस्या के समाधान में लगा दें, तो बहुत चुटकी बजाकर उस समस्या का समाधान हो जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि ये बहुत सिंपल है, जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ जितनी भी बातें हो, सब बहुत चुटकी बजाकर आप उसका समाधान कर सकते हैं। बस आपको अपने मन को स्थिरता में रखना है, आपको अपने आप को काबू में रखना है, और आपको अपने करियर पर फोकस करना है, और जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अपने परिवार को करनी है। क्योंकि जो भी अपने परिवार को छोड़ता है वो पूरी तरह अकेला हो जाता है। तो क्योंकि आपके पास फिर कुछ नहीं बचा रहता, आपके पास कुछ नहीं रह जाता, तो परिवार को बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे किसी भी परिस्थिति में परिवार का साथ निभाएं, परिवार के साथ रहें। क्योंकि आपके दुख सुख के साथ ही सिर्फ वही है, आपको सही रास्ता आपका परिवार ही दिखाएगा। क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छी तरह और आपसे ज़्यादा हित आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार सोच सकता है, आपकी फैमिली सोच सकती है। सो अपने परिवार का साथ निभाएं, खुश रहें, हमें मस्त रहें यार, खुशियाँ बांटें और एकता बढ़ाएं, आपस में प्यार बढ़ाएं, नफरत द्वेष बिल्कुल मत बढ़ाएं। छोटी सी दुनिया है, आपस में आपने जो है दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी जी, और ईश्वर करे आप जाए हो और लगातार आप बुलंदियों पर जाए। पत्रकार एसोसिएशन से महेश।